हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज का वीडियो सबसे दमदार, सबसे धमाकेदार हो जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था कि सर जो लोन आपको मिला है, जिस लोन का सर आपने अप्लाई किया था, उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके बारे में हम लोगों को भी जानकारी दीजिए कि किस प्रकार से अप्लाई होगा, कौन कौन से कागजात लगेगा और इसको लेने का प्रक्रिया क्या है। तो जान लीजिए, आज हम इसके बारे में पूरी की पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग लीजिएगा, किस प्रकार से चयन होगा, किस प्रकार से ट्रेनिंग होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और उसके बाद जो है ना, इसमें कौन कौन से, इसमें चार प्रकार के हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको एक बात जरूर बता देना चाहेंगे कि प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का इंतजार था। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, ठीक है। इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो कि स्टार्टिंग होता है, जो कि शुरू होता है, यानी कि उद्योग विभाग इसका यानी कि शुरू करते हैं, ठीक है। वह विभाग का नाम क्या है? तो उद्योग विभाग, ठीक है। इसको शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने किए थे, और इसको आगे बढ़ाने का काम जो है ना, अभी पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, जो उद्योग विभाग के मंत्री थे, उन्होंने स्टार्ट किए थे। और उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे। तो यह जो है ना, यानी कि यह चार प्रकार के लोगों को यह लोन देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि युवा को, युवा का मतलब जो जनरल युवा, जनरल युवा का मतलब जो किसी भी जाति से है उसमें युवा को, ठीक है। और उसके बाद महिला को, महिला का मतलब जो लेडीज है उसके लिए अलग है। और उसके बाद बीसी और ईबीसी, बीसी और ईबीसी का मतलब बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का मतलब जो यानी कि बीसी वन में आते हैं, ठीक है, बीसी वन में आते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एससी एसटी, एससी एसटी का मतलब जो आदिवासी है और काफी अत्यंत पिछड़े लोग हैं, जो एससी एसटी पर यानी से आते हैं, इन सभी लोगों के लिए अलग है। तो इसमें से हम बात करेंगे कि जो युवा है और उसके बाद जो बीसी और ईबीसी है, इनके बारे में। तो जान लीजिए, इस योजना के अंतर्गत जो है ना, सभी व्यक्तियों को कितना रुपया लोन मिलता है? तो 10 लाख रुपए लोन मिलता है, सभी व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिलता है, जिन व्यक्तियों का इस योजना के अंतर्गत चयन होगा, जिसमें से आप जान लीजिए कि 5 लाख रुपया आपको सरकार सभी लोगों को माफ कर देती है। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया सरकार सभी लोगों को माफ कर देती है। और उसके बाद जो बचा 5 लाख रुपया सरकार वापस लेगी। अब 5 लाख वापस लेगी तो कैसे वापस लेगी? तो जान लीजिए, यह एक साल शुरुआती का सबसे पहला साल, यानी कि लोन जिस इस वर्ष हम लोग को मिलेगा, तो इसके अगले नेक्स्ट एक सालों तक हम लोग को एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा किसी को भी, ठीक है। 5 लाख रुपए सरकार माफ कर देंगे, और बचा 5 लाख रुपए ना, तो यह 5 लाख रुपया हम लोगों को चुकाना है, और एक साल अगले एक भी रुपया ना हम लोगों को देना है और ना उस रुपए पे ब्याज लगेगा। उसके बाद जान लीजिए, उसके बाद हमको जो है ना, यह 5 लाख रुपया सधाने का दो तरीका है इसमें, जान लीजिए। एक है युवा और बीसी और ईबीसी का, युवा और बीसी और ईबीसी का, जान लीजिए सभी लोगों को यह पैसा जो है ना 84 माह के किस्त में चुकाना है। 84 माह के मतलब क्या चीज? यानी कि 7 साल में, 7 साल में यह किस्त चुकाना है, जिसमें युवा और बीसी और ईबीसी वाले लोगों को 5 लाख रुपया का जो है ना, यानी कि 5 लाख रुपया का 1%, यानी कि 1% प्रति वर्ष, एक साल में 1% रुपया जो है ना, यानी कि इन लोगों को चुकाना पड़ेगा ब्याज दे करके। लेकिन महिला और एससी एसटी को, महिला और एससी एसटी जाति वाले को, इन लोगों को 5 लाख का 5 लाख रुपया चुकाना है, इन लोगों को 1 रुपया ब्याज नहीं देना है, यानी कि ब्याज इन लोगों को क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, यह लोन का यह डिटेल हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो जान लीजिए, इसके लिए सरकार ने इसी माह के 18 तारीख से डेट निकाला था, लेकिन यह डेट एक्सटेंड होगा, नए डेट अनाउंस होगा, तो पेपर में बराबर दिए हुए रहता है, और जब डेट आएगा तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, आप लोग इसका अप्लाई कीजिएगा, ताकि, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई होगा उद्योग विभाग के वेबसाइट से, ठीक है, जिसका वेबसाइट का नाम है उद्यमी योजना,
ठीक है, उद्यमी योजना के वेबसाइट पे यह जो है ना अप्लाई होगा, उसके बाद जो कागजात क्या क्या लगेगा, आपको ऑनलाइन करने के वक्त कौन कौन से कागजात रखना है ताकि जो है ना आपका ऑनलाइन में जो यह चयन हो करके आपका 100% आ जाए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और जान लीजिए जब ऑनलाइन करते वक्त यह सब चीज का आपको हार्ड कॉपी अपलोड करना है, लेकिन जब आपका नाम चयन होकर के आएगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट बताएंगे ना, उन सारा डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल वहां पे होना चाहिए, एक भी फोटोकॉपी नहीं। फोटोकॉपी भी लगेगा लेकिन ओरिजिनल वहां पे देखेंगे 100% ए टू जेड डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड लगेगा, दूसर के नंबर आपको क्या चीज लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपका खुद का पैन कार्ड। तीसरा नंबर जो है ना आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना चौथे नंबर की हम लोग बात करेंगे। चौथे नंबर में आपको 10th पास का जो है ना, यानी कि क्या चीज होना चाहिए, तो अंक पत्र होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना यानी कि मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र का मतलब क्या कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड के द्वारा 3 साल बाद आता है, वह होना चाहिए। अगर यह मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको साथ जो है ना अंक पत्र के साथ प्रोविजनल आता है, या प्रोविजनल को भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी दो मत की राय नहीं है, लेकिन यह सभी चीज आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है तो कोई बात नहीं, प्रोविजनल दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप या तो आईटीआई नहीं तो पॉलिटेक्निक, चाहे कोई भी डिप्लोमेटिक कोर्स, ठीक है, या इंटर जो है ना आप पास होना चाहिए, इंटर जो है ना आपको पास होना चाहिए, तो इसका भी आपको अप्लाई करते वक्त अंक पत्र का जरूरत पड़ेगा, अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल का जरूरत पड़ेगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना करेंट अकाउंट हो गया, ये सब हो गया। अगर उसके बाद जो है ना आपको जाति आवासीय आय नए ईयर का आपको होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बात करेंगे, जाति आवासीय आय हो गया, उसके बाद आपका जो हायर क्वालिफिकेशन, इस हायर क्वालिफिकेशन का डिटेल आप उस पर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है ना आपको जहां पे जमीन पे आप जो है ना अपना बिजनेस, या जान लीजिए या लोन मिलता है उद्योग लगाने के लिए, उद्योग का मतलब बिजनेस लगाने के लिए, और बिजनेस कैसे कौन चीज का है, तो इस लोन के लिए जो है ना पिछले वर्ष 102 यानी कि प्रकार के कैटेगरी था कौन कौन बिजनेस लगाइएगा, लेकिन इसको फाइनल अब शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है 48 प्रकार के, यानी कि बिजनेस में इसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, 48 प्रकार के ही बिजनेस लगा सकते हैं। कौन कौन बिजनेस, तो हो सके तो हम आपको डिस्प्ले पर स्क्रीन पर दे देंगे, नहीं तो आपको पीडीएफ हम इसका उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके बाद जो है ना हायर का, उसके बाद आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी तो होगा ही, क्योंकि जो यह करेंट अकाउंट जो है ना आपका होना चाहिए, तो यह फॉर्म के नाम से, तो फॉर्म के नाम से जिस नाम से आप बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा उस फॉर्म के नाम से, तो जब फॉर्म के नाम से तभी आपको करेंट अकाउंट खुलेगा जब आपके पास जीएसटी उपलब्ध रहेगा तब। उसके बाद जो है ना यानी कि इसके साथ साथ इसमें जो है ना आपको क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगा, तो जमीन का यानी कि रसीद का जरूरत पड़ेगा। यदि जमीन अपने नाम से नहीं है तो इसका जो है ना आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो किरायेनामा का जरूरत पड़ेगा। किरायेनामा की लीज पर लिए हैं, किराया पर लिए हैं, और यह किरायेनामा होना चाहिए ना तो 1000 के स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। यह सब प्रमाण पत्र लेकर के आपको अपलोड करने के साथ साथ पूरा डिटेल उसमें फुलफिल कर देना पड़ेगा। और उसके बाद उसमें एक आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस बार जो नया आएगा ना अप्लाई, तो उसका हम अप्लाई करके किसी न किसी व्यक्ति का हम बता देंगे पूरे एकदम शॉर्ट तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से। आप लोग पहले इस चीजों को जान लीजिए, अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है तो इसका संबंधी कागजात को तैयारी कर लीजिए। और उसके बाद जो है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हर लोगों को अब जो है ना यानी कि कितना का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके देना है, तो 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देना है। उसके बाद लोगों का चयन किस प्रकार से होता है, तो जान लीजिए आप जब इस प्रकार के फॉर्म भर दीजिएगा, तो इस बार जो है ना सभी यानी कि सभी डिपार्टमेंट से, या चारों जो है ना या अन्य प्रकारों से, इस समय से सभी में से 4000 व्यक्तियों का यानी कि शॉर्टलिस्ट होकर के नाम आया है, जिसमें कि यह चयन का प्रक्रिया जो होता है ना, तो यह चयन का प्रक्रिया होता है लॉटरी।
लॉटरी कौन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें सेटिंग होता है, इसमें किसी भी लोगों का किसी भी प्रकार का सेटिंग नहीं चलता है। इसमें लॉटरी कैसे होता है तो इसमें लोगों का नाम उछाला जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, जिसमें वहां पे संयुक्त सचिव यानी कि गृह विभाग सॉरी संयुक्त सचिव उद्योग विभाग के रहते हैं, प्रधान सचिव रहते हैं, मंत्री जी रहते हैं, मुख्यमंत्री जी सभी लोगों की अध्यक्षता में, इसमें संयुक्त सचिव जी और प्रधान सचिव जी की अध्यक्षता में सभी लोग रहते हैं और उनके बाद वहां पे लोगों का चयन होता है। उसके बाद डिस्प्ले पर प्रसारित कर दिया जाता है कि किन किन लोगों का नाम आया है, उसके बाद वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाता है। ट्रेनिंग कब और कहां मिलेगा तो जान लीजिए, जितने भी लोग अगर लेना चाहते हैं करना चाहते हैं तो उन सभी को ट्रेनिंग आपको DIC में मिलेगा, यानी कि आपके जिला में उद्योग विभाग हो गया, ठीक है, उद्योग विभाग में आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा। लेकिन हम लोगों का, आपको पता होगा कि हम लोगों का ट्रेनिंग जो हुआ था यानी कि CIMP पटना में हुआ था, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट मौर्य यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट में CIMP में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था। उसके बाद जो ना यह ट्रेनिंग 14 दिनों का होगा, यह ट्रेनिंग 14 दिनों का होगा। यह ट्रेनिंग में आपको बिजनेस संबंधी सारे चीजों बताए जाएंगे, उसमें आपको सारा प्रूफ लगेगा। और जान लीजिए इसमें सबसे बड़ा होता है ना कि इतना इतना डॉक्यूमेंट का आपको जो है ना लगभग 10 बार आपको कॉपी पूरा जमा करना पड़ेगा, 10 कॉपी पूरा फाइनली पैसा आने तक आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना कौन कौन से व्यापार कर सकते हैं तो इसमें कौन कौन से व्यापार का लिस्ट हो सके संभव तो हम आपको डिस्प्ले पे उपलब्ध करा देंगे, नहीं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और पैसा कब और कैसे चुकाना है तो पैसा के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि 84 आसान मासिक किस्तों में आपको पैसे को लौटाना है। और उसके बाद इसमें से जो लोगों को अत्यधिक इससे ज्यादा डिटेल चाहिए वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं यानी कि व्हाट्सएप माध्यम से, व्हाट्सएप मेरा नंबर है ये है। और उसके बाद जो है ना आप हमारे यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इससे संबंधित किसी भी प्रकार के उद्यमी योजना से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बार उद्यमी योजना में हमारा फाइनली शॉर्टलिस्ट हो गया हुआ है, अब पैसे आने केवल बाकी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।